एक तो हम लोगों ने कर लिया एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, इज दैट क्लियर? एक आप लोगों ने कर लिया डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, इज दैट क्लियर? राइट, एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, ये आप लोगों को पता है किसके बेसिस पे होता है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस, इज दैट क्लियर? राइट, अब इसके बाद हमारे पास एक क्या सिचुएशन आ जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। एंड रीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, इज दैट क्लियर? जो ये डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन है, यू नो हु डू दैट? इट इज डन बाय द गवर्नमेंट, डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। इज दैट क्लियर? एक और चीज है और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग। कौन सी फ्लोटिंग? मैनेज्ड फ्लोटिंग, इज दैट क्लियर? बच्चे व्हेन आई टॉक अबाउट मैनेज्ड फ्लोटिंग ना, आप इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हो। क्या बोलते हो? डर्टी फ्लोटिंग। और आपको पता है ये जो टर्म मैंने यूज की है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी आगे, ये कौन करता है? इट इज बीइंग डन बाय द आरबीआई, इज दैट क्लियर? कौन करता है इसको? आरबीआई ऑफ अ कंट्री, इज दैट क्लियर? तो याद रखना, करेंसी में चेंजेस में चेंजेस करने के लिए ये तीन सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एंड हु डू दैट। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन आर बीइंग डन बाय हुम? बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, इज दैट क्लियर? ये मार्केट के बेसिस के ऊपर होता है, मार्केट के बेसिस के ऊपर, इज दैट क्लियर? अब इसके बाद क्या आ गया आपके पास? डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी एंड रीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन कौन करता है? इट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? इट इज मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग, इज दैट क्लियर? बच्चे जब भी मैं यहाँ पर मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग की बात करती हूँ, तो ये मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग कौन करेगा? इट इज बीइंग डन बाय द आरबीआई, इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग पहले तो आप लोगों ने एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन इज क्लियर टू यू, पहले हम लोग अब डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी और रीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी को चेकआउट करेंगे, इज दैट क्लियर? तो बच्चे सबसे पहले तो देखो डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू जानबूझकर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज दैट क्लियर? ताकि हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ सकें, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आ सके, इज दैट क्लियर? सो इनके इफेक्ट्स वही आएंगे जो कि बेसिकली क्या होंगे, जो कि हमारे को डिप्रिसिएशन के बनते हैं, वही डिप्रिसिएशन के कारण से ही यहाँ पर क्या चीज़ जो डिप्रिसिएशन का इफेक्ट होता है वही, बट मतलब इनका बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, इज दैट क्लियर? लेट मी टेल यू, डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी मीन्स रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी by the government, is that clear? ये step जानबूझकर government द्वारा लिया जाता है ताकि हम अपनी country की currency की value को कम कर सकें, is that clear? I repeat, devaluation is a currency, devaluation of a currency आएगा, is that clear? Means reducing the value of our currency in terms of foreign currency by the government, is that clear? You should always remember, it is a deliberate act. Deliberate का मतलब समझते हो? जानबूझकर, deliberate act taken up by the government of India to increase
our exports and fetch more foreign exchange. समझ आ गया आप लोगों को? पता है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये एक डिलिबरेट एक्ट है टेकन अप बाय द गवर्नमेंट जिससे कि हम अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें. इज दैट क्लियर? एंड फेच मोर फॉरेन एक्सचेंज बाय द वे ऑफ ट्रेड. बाय द वे ऑफ ट्रेड. अब बच्चे आप लोग ये कहोगे कि मैम एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे? आपको पता है ना जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू इज दैट क्लियर कम हो जाती है तो ऑब्वियसली जो बाहर वाले लोग हैं उनके लिए हमारा सामान बहुत सस्ता हो जाएगा तो वो हमारे गुड को डिमांड करेंगे. सी टू इट, अर्लियर एक डॉलर कितने का था? 50 का था. बट नाउ आफ्टर डीवैल्यूएशन, इज दैट क्लियर? आफ्टर डीवैल्यूएशन राइट, $1 इज इक्वल टू 70 राइट. ठीक है, इंडियन करेंसी becomes cheaper for other countries. Therefore, our exports increases. समझ आ गया आप लोगों को कि अब जो हमारी जो इंडियन करेंसी है ना वो बहुत चीप हो जाएगी फॉर द अदर कंट्रीज. इज दैट क्लियर? इंडियन करेंसी, सॉरी माय पेन्स आर नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टुडे. ओके, हमारी जो इंडियन करेंसी है ना, इंडियन करेंसी बहुत चीप हो जाएगी अदर कंट्रीज के लिए जिसके कारण से हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी. मैंने आपको यही बताया था ना, देखो आफ्टर इफेक्ट दोनों का सेम है. एप्रिसिएशन, सॉरी जब डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी करा था तब भी हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गई थी. इज दैट क्लियर? क्योंकि दे वर चीपर नाउ फॉर द फॉरेन मार्केट. यही इफेक्ट निकल कर आया था ना, वहां पर हम अर्लियर करते थे $1.50 का, आफ्टर हम करते थे $1.70 का. पर वो $1.70 किसके कारण से हुआ था? ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस के अंदर. तब हमारी डिमांड बढ़ गई थी. अब हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया था, गवर्नमेंट ने हमारे गुड्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए ऐसा स्टेप लिया है. आपको पता है इंडिया में डिवैल्यूएशन कब करी गई थी? 1991 के अंदर, जब हम लोगों ने एलपीजी की पॉलिसी को फॉलो किया था. यू नो व्हाट इज एलपीजी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. इज दैट क्लियर? डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर उस समय. और इंडियन इकोनॉमी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम करती थी, नॉट प्रॉपर क्लोज्ड इकोनॉमी बट स्टिल, मतलब बाहर वाली कंट्रीज के साथ इतने ज्यादा ट्रेडिंग रिलेशंस नहीं थे. प्रोटेक्टिज्म की पॉलिसी थी, हम बहुत प्रोटेक्ट होके चलते थे. ये सब हम अपनी दूसरी बुक में भी पढ़ेंगे. तब इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप किया गया था फॉरेन मार्केट्स के लिए और हम लोगों ने एलपीजी की पॉलिसी को फॉलो किया था. तब अपने गुड्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने दो बार अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया था. इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको व्हाट इज डीवैल्यूएशन? और डीवैल्यूएशन कौन करता है बच्चे? एवरीबॉडी? यस? हाँ जी, क्या? हाँ नहीं बेटा, सब कुछ फर्क पड़ता है. हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? लेकिन हम लोग ये सोच वैल्यूएशन उस समय कर रहे थे ताकि हमारे गुड्स की डिमांड फॉरेन मार्केट में बढ़े. इज दैट क्लियर? ठीक है, ये एक जानबूझकर एक स्टेप होता है जो गवर्नमेंट करता है, क्योंकि करेंसी में देखो वही यहाँ पर आएगा, ये वही इफेक्ट आएगा जो कि डेप्रिसिएशन के अंदर इफेक्ट आता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स चीप हो गए और इंपोर्ट्स जो हम लोग करते हैं वो हमारे लिए महंगे हो गए. ये मैं पॉइंट लिख देती हूँ. ठीक है, सो देयरफॉर एक रिजल्ट आपका ये निकल कर आ गया. दूसरा रिजल्ट देखो, इंपोर्ट्स दैट वी डू बिकम एक्सपेंसिव. इज दैट क्लियर? आपको पता है क्यों एक्सपेंसिव हो गए? क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू ही बहुत कम हो गई. इज दैट क्लियर? पहले हमारी करेंसी की वैल्यू $1.50 था,
बट अब उसी करेंसी के लिए, 1 डॉलर के लिए हमें 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट्स जो हम लोग कर रहे थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे क्योंकि दे आर चीपर नाउ फॉर द अदर कंट्रीज। इज दैट क्लियर? बट डीवैल्यूएशन को ये सोच कर किया जाता है ताकि हमारे गुड्स की डिमांड फॉरेन मार्केट में बढ़े, और हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ने के कारण से हमारे पास ज्यादा फॉरेन करेंसी आए। इज दैट क्लियर? एक बार और रिपीट करियो, डीवैल्यूएशन, रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट, हम लोगों ने 3 मेथड्स करने हैं। इज दैट क्लियर? एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, ये दोनों डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे थे। डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी एंड रीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, इट इज बींग डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। देन मैनेज फ्लोटिंग एंड डर्टी फ्लोटिंग, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं, इट इज बींग डन बाय द RBI। ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, पहले डीवैल्यूएशन खत्म कर लें। डीवैल्यूएशन समझ आ गया? डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। और ये एक डिलिबरेट एक्ट होता है टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट्स एंड फेच मोर फॉरेन एक्सचेंज बाय द वे ऑफ ट्रेड। इज दैट क्लियर? अपनी ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। समझ आ गया? बट इसके इफेक्ट्स दो होते हैं। सबसे पहला, इंडियन करेंसी अब चीपर हो गई, जिसके कारण से अदर कंट्रीज हमारे गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा करेंगी और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? इम्पोर्ट्स दैट वी डू बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस। इज दैट क्लियर? तभी हम जो ज्यादा इम्पोर्ट करेंगे वो असेंशियल गुड्स का ही इम्पोर्ट करेंगे, लाइक पेट्रोल, डीजल। इज दैट क्लियर? राइट, लेट मी मूव अहेड विद द रीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी नाउ। बच्चे, व्हेन आई टॉक अबाउट द रीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू चेक इट आउट। रीवैल्यूएशन का क्या मतलब हो गया? रीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, अभी तक तो बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने रीवैल्यूएशन को फॉलो किया है, इनफैक्ट करा ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? रीवैल्यूएशन में वही उल्टा हो जाता है जो हम लोगों ने यहाँ पर डीवैल्यूएशन में देखा था, ठीक है? इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ अ कंट्री, the government increases the value of our currency. Is that clear? Increases the value of the currency. समझ आ गया? Government अब अपनी country की currency की value को बढ़ा देती है। Is that clear? Right? So बच्चे, जब हमारी country की currency, just try to understand. ठीक है, पहले अर्लियर देखो यहाँ पर क्या था। 1 डॉलर वॉज इक्वलेंट टू ₹50, बट नाउ आफ्टर रीवैल्यूएशन, इज दैट क्लियर? रीवैल्यूएशन के बाद अब 1 डॉलर कितने का हो गया? 30 रुपए का हो गया। ये चीज याद रखना। इज दैट क्लियर? तो ये और याद रखना है कि इट इज अ डिलिबरेट स्टेप टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। इट इज अ डिलिबरेट step taken up by the government of India. Government of India या any government, is that clear? जरूरी नहीं है India की, by the government. Is that clear? अब एक और चीज याद रखनी है, this is done to, क्या करने के लिए किया जाता है? बेसिकली अब यहाँ तो हमारे पास फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा है, हमें और फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस इज बेसिकली डन टू, कैन एनीवन टेल मी किसके लिए किया जाता है? या टू डिस्करेज द फॉरेन करेंसी into our country. Is that clear? ये किसके लिए किया जाता है कि हमारे पास और फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं है, अब ये डिस्करेज करना चाह रहे हैं फॉरेन करेंसी को इन टू अवर कंट्री। इज दैट क्लियर? राइट, अब वॉट आर द इफेक्ट्स, पर्टिकुलरली इफेक्ट्स क्या निकल कर आएंगे? ठीक है, अब यहां पर एक्सपोर्ट्स
ऑफ अ कंट्री नाउ बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर फॉरेन कंट्रीज therefore discouraged by them. समझ आ गया आप लोगों को कि हमारी जो कंट्री के एक्सपोर्ट्स है ना वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं फॉरेन कंट्री के लिए और वो लोग इनको अब डिस्करेज कर देते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है. दूसरा, इंपोर्ट्स बिकम very cheap for us therefore we tend to import more or invest more in other countries. क्या आप लोग इस लाइन का मतलब समझे? मैंने आपको क्या बताया, हमारे कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? तभी फॉरेन कंट्रीज अब हमारे गुड्स को ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे. लेकिन हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो हमारे को बहुत सस्ते पड़ेंगे अब, क्योंकि कहाँ पहले हम $1 के लिए 50 पे कर रहे थे, अब वो $1 के लिए हम सिर्फ 30 पे कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली जब आपको वो चीजें बहुत सस्ती पड़ेंगी तो हम इम्पोर्ट भी बहुत ज्यादा करेंगे, नहीं तो हम लोग बाहर वाली कंट्रीज में जाकर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देंगे. इज दैट क्लियर और नॉट? हम इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, चाहे बाहर कोई कंपनी खरीद लेंगे, चाहे कहीं बाहर शेयर्स खरीद लेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख लेंगे, क्योंकि वो हमारे को डॉलर्स में पे करना और वो हमारे लिए बड़ा सस्ता है. इज दैट क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया ये चीज? इज द रीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी क्लियर टू यू? बिल्कुल ऑपोजिट है किसका? ऑपोजिट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी. लेकिन इफेक्ट्स इसके बिल्कुल सेम है. किसके जैसे? लाइक एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी के. इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? बस मोटा मोटा फर्क इतना है, वो जानबूझकर कौन करता है? इट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट हियर, और वहां पर इट इज द डिमांड फोर्सेस जो एक्ट और रिएक्ट करते हैं. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन? सबको क्लियर है? एक बार और रिपीट कर लेते हैं जिससे ये क्लैरिटी हो जाएगी. In the revaluation of a currency, the government of the country increases the value of the currency. Clear? Earlier $1 50 ka tha, lekin ab $1 kitne ka ho gaya? 30 ka ho gaya. Remember, ye ek deliberate step hai taken up by the government. This is done to discourage the foreign currency into our country. हम लोग और foreign currency अपनी country में नहीं चाहते हैं, हमारे पास बहुत भंडार available हैं. What are the effects here? Exports of a country now become expensive for the foreign countries. Is that clear? Therefore, discouraged by them. वो अब इसको discourage करने लग जाते हैं. और जो हमारे imports हैं, they become very cheap for us. हमारे लिए बहुत cheap हो जाते हैं. Therefore, we tend to import more या invest more in the other countries. Is that clear? समझ आ गया? या तो हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे या इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे दूसरी कंट्रीज में, क्योंकि अब डॉलर हमारे लिए बहुत सस्ता है. इज दैट क्लियर? ये रिवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन था, द स्टेप्स टेकन अप बाय द गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? नाउ अब एक और चीज रह गई जो मैंने आप लोगों को करवाना है, दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग. बच्चे मैनेज्ड फ्लोटिंग को आई वुड बी टेकिंग अप विद द हेल्प ऑफ व्हाट अ फ्लो चार्ट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैनेज फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है? अपनी करेंसी की वैल्यू को घटाना या बढ़ाना बाय द स्टेप्स टेकन अप बाय द RBI और दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू का ख्याल ना करना. इज दैट क्लियर? ये एक इलीगल प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी कंट्रीज यहाँ पे करती हैं. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये बेसिकली फॉलो नहीं करने दिया जाता, लेकिन फिर भी ये कंट्रीज इस प्रोसेस को फॉलो करती हैं. यू शुड बी ऑलवेज रिमेम्बरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. लेट मी टेक इट अप फॉर यू पीपल. सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना मैनेज फ्लोटिंग. मैनेज फ्लोटिंग सबसे पहले दिस इज टेकन अप बाय हूम? टेकन अप बाय द RBI.
ऑफ द कंट्री। आरबीआई का मतलब समझते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप लोगों को ये याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी। इज दैट क्लियर? एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है यहाँ पर हमारी कंट्री का। दिस पॉइंट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट बच्चे? वेन एवर आई टॉक अबाउट यहाँ पर मैनेज फ्लोटिंग, तो मैनेज फ्लोटिंग का एक सेकेंड, लेट मी चेक आउट विद द मीनिंग हियर। मैनेज फ्लोटिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर एक मीनिंग देंगे। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज पर्टिकुलरली टेकन अप बाय द आरबीआई। और आरबीआई क्या करता है यहाँ पे? आरबीआई इसलिए ये इम्प्लॉय करता है टूल जिससे कि हम अपनी करेंसी की वैल्यू को रिस्टोर कर सकें। इज दैट क्लियर? राइट, विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स, राइट? जब हमारी अभी तक हमारे जो रेट है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? मार्केट फोर्सेस। ध्यान से देखो यहाँ पे, रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, बट व्हेन आरबीआई थिंक्स दैट द करेंसी रिक्वायर्स टू बी चेक्ड within the desired limits, then undertakes managed floating. But you just try to understand. अब यहां पर क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखना। आपको पता था earlier एक डॉलर वॉज इक्वल टू रुपीज 50, बट नाउ वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 70। ये जो डिटर्मिनेशन हुआ था ये किसके बेसिस पे हुआ था? ये डिटर्मिनेशन मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे हुआ था। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे जब हुआ तो हमारी जो करेंसी थी, करेंसी डेप्रिशिएट्स बाय अ लार्जर अमाउंट। किससे डेप्रिशिएट कर गई? डेप्रिशिएट्स बाय लार्जर अमाउंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आरबीआई स्टेप्स इन टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इन डिजायर्ड लिमिट्स। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी का क्या मतलब है? एप्रिशिएट। इज दैट क्लियर? कुछ समझ आया? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको क्या बताया था, पहले एक डॉलर 50 का था लेकिन अब एक डॉलर कितने का हो गया बच्चे? 70 का। ये मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिटरमाइन हुआ था। करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो गई बाय अ वेरी लार्जर अमाउंट। इज दैट क्लियर? तब आरबीआई आता है, स्टेप इन करता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी इन डिजायर्ड लिमिट्स। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? क्या करते हैं? आपको पता है ना, आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारी करेंसी के सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आरबीआई के पास हैं। आप लोगों को एक और चीज याद होगी, मनी और बैंकिंग के चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे को और करेंसी छापनी होती है ना तो हमें 200 करोड़ की बैकिंग चाहिए, जिसमें 115 करोड़ तो क्या होता है? गोल्ड। और 85 करोड़ क्या होता है? फॉरेन सिक्योरिटीज। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास फॉरेन करेंसी के बहुत भंडार होते हैं, इवन फॉरेन सिक्योरिटीज के भी भंडार होते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को थोड़ा सा अप्रिशिएट करता है डिजायर्ड लिमिट्स के अंदर। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? और इस तरह से डेप्रिसिएशन होने के बावजूद जब आरबीआई स्टेप इन करता है और अपनी करेंसी को डिजायर्ड लिमिट्स में अप्रिशिएट करता है, इस प्रोसेस को हम मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। ये वाइस वर्सा जा सकता है। इज दैट क्लियर? कौन सी फ्लोटिंग बोली जाती है? मैनेज फ्लोटिंग। इज दैट क्लियर? अब इसकी का दूसरा साइड ले लीजिए।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब यहां पर देखो अर्लियर क्या था, अर्लियर $1 वॉज इक्वल टू ₹50, राइट। अब नाउ $1 कितने का हो गया बच्चे, इट इज ₹30। अब ये आप लोगों को पता है कि हमारे ये मार्केट फोर्सेस ने ये रेट को डिटरमाइन किया था। इज दैट क्लियर। अब मार्केट फोर्सेस ने जब इस रेट को डिटरमाइन किया ना, तो हमारी करेंसी बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर गई। करेंसी एप्रिशिएट्स बाय अ लार्जर अमाउंट। इज दैट क्लियर, बाय लार्जर अमाउंट। और आप लोगों को पता है, जब हमारी कंट्री की करेंसी बहुत ज्यादा से एप्रिशिएट कर जाती है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, वो डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगे हो जाएंगे फॉरेन मार्केट के लिए। कोई भी हमारे गुड्स को डिमांड नहीं करेगा। तब आरबीआई स्टेप इन करती है। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई स्टेप्स इन टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी इसका मतलब क्या होता है, डेप्रिशिएट इन डिजायर्ड लिमिट्स। डिजायर्ड लिमिट्स के अंदर आरबीआई अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को थोड़ा सा डेप्रिशिएट कर देती है। इज दैट क्लियर। सो दिस फ्लोटिंग बाय द आरबीआई, जहां पे अगर तो हमारी करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएटेड है, तो उसको थोड़ा सा एप्रिशिएट करना बाय द आरबीआई इज नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। वाइस वर्सा, अगर हमारी करेंसी मार्केट फोर्सेस के कारण से बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो जाती है, तो थोड़ा सा हमारी करेंसी को डेप्रिशिएट करना विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स बाय द आरबीआई इज नोन एज मैनेज फ्लोटिंग। इन दोनों प्रोसेसेस को ही मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। इज दैट क्लियर। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होना पड़ेगा, और इन चीजों को हम लोग दोबारा से करेंगे कि ये किस तरीके से हम लोग करते हैं। इज दैट क्लियर। तो आप लोगों को यहाँ पर इस चीज का क्लैरिटी हो गई कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेज फ्लोटिंग एंड हु अंडरटेक्स दैट। सो रिमेम्बर, मैनेज फ्लोटिंग इज बीइंग टेकन अप बाय हुम, बाय द आरबीआई। डू नॉट फॉरगेट, आरबीआई इज अ एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी। डू नॉट फॉरगेट, आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व। इज दैट क्लियर। एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अवर कंट्री, right? So rate is determined by whom? By the market forces, do remember. But when RBI thinks that the currency requires to be checked, currency requires to be checked within the desired limits, then undertakes what? Managed floating. Is that clear? So यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि क्या करती है, किस तरह से ये float को check करती है। अगर तो हमारी currency बहुत ज़्यादा depreciate हो जाती है, तो RBI step करती है और हमारी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है विद इन द डिजायर्ड लिमिट, मतलब एप्रिशिएट करने की कोशिश करती है। और अगर हमारी कंट्री की करेंसी बहुत ज्यादा यहाँ पे डिप्रिशिएट हो जाती है, तो आरबीआई क्या करती है, यहाँ पे सॉरी एप्रिशिएट हो जाती है, तो आप लोगों को एप्रिसिएशन के ड्रॉबैक्स तो पता ही है क्या होता है। हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स बिल्कुल डिस्करेज हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी नहीं आएगी। जब फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, तो हम लोग आगे जाकर अपनी गुड्स को इंपोर्ट कैसे करेंगे, समझ आ गया? कैड बढ़ने लग जाएगा। कैड का मतलब समझती हो ना, मैंने आपको बताया था, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लग जाएगा। तब आरबीआई स्टेप इन करती है और डिक्रीज करती है वैल्यू ऑफ अवर करेंसी इन द डिजायर्ड लिमिट्स। डिक्रीज करने का मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट जानबूझकर करती है डिजायर्ड लिमिट्स के अंदर, ताकि यहाँ पर एप्रिसिएशन को चेक कर सके। इज दैट क्लियर। सो नाउ लेट्स डू दिस पोर्शन इन डिटेल। क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गए सब लोगों को? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया जो मैंने यहां पर बताना भूल गई, कि ये मैनेज फ्लोटिंग होता कैसे है। चलो नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए हाउ इज मैनेज फ्लोटिंग अंडरटेकन। इज दैट क्लियर। अब इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारी जो कंट्री की आरबीआई है, इज दैट क्लियर? इतना तो पता है ना, हु अंडरटेक्स द मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग इज टेकन
करेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी विद इन डिजायर्ड लिमिट्स. आई होप इट इज क्लियर. मैनेज फ्लोटिंग कैसे अंडरटेकन होता है? टू करेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स. इज दैट क्लियर? दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग इज अंडरटेकन बाय आरबीआई. Because RBI is apex monetary authority and is the custodian of all the foreign exchange reserves. याद करो, मैंने आपको एक और नाम बताया था, ऑफिशियल रिजर्व्स याद है आपको? इसको हम लोग ऑफिशियल रिजर्व्स भी बोलते हैं. इज दैट क्लियर? राइट. सो बच्चे, मैनेज फ्लोटिंग होता किस तरीके से है? मैनेज फ्लोटिंग, आप लोगों को पता लग गया कि आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और द ऑफिशियल रिजर्व्स. तो सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो आरबीआई के पास हैं. तो यहाँ पर मैनेज फ्लोटिंग को कैसे अंडरटेक करती है आरबीआई? मैनेज फ्लोटिंग इज अंडरटेकन बाय आरबीआई बाय द वे ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इन द ओपन मार्केट. इज दैट क्लियर? ओपन मार्केट में सेल और परचेज कर फॉरेन करेंसी को इंटरनेशनल. ओपन मार्केट का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल मनी मार्केट. इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर हम लोग सेल और परचेज कर यहाँ पर क्या करते हैं? अपनी करेंसी की डिमांड को बढ़ाने और घटाने की कोशिश करते हैं. इज दैट क्लियर? एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट. ध्यान से देखना, इफ आरबीआई वांट्स टू डिप्रिशिएट द करेंसी तो आरबीआई पता क्या करेगी? स्टार्ट्स डिमांडिंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट. इज दैट क्लियर? अगर आरबीआई अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना चाहती है तो वो क्या करेगी? स्टार्ट डिमांडिंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट. मार्केट से फॉरेन करेंसी को डिमांड करना शुरू कर देगी. इज दैट क्लियर? राइट. और अगर इफ आरबीआई वांट्स टू एप्रिशिएट द करेंसी स्टार्ट्स selling the foreign currency in the international market. I hope it is clear. समझ आया? अगर RBI को लगता है कि अब उसको अपनी currency को appreciate करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा depreciate हो जाती है, तो बच्चे आरबीआई के पास तो बहुत सारे रिजर्व्स हैं.
आरबीआई एक आर्टिफिशियल सा ऑरा क्रिएट कर देगी कि इसके पास बहुत करेंसी है, अब ये एक्स्ट्रा करेंसी को बेचना चाह रही है। अब वहां पर इंटरनेशनल मनी मार्केट में एक क्या सिचुएशन फिट हो गई कि इंडिया के पास बड़ी करेंसी है, इंडिया बेच रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, हमारी करेंसी की जो वैल्यू पहले बहुत डेप्रिशिएट हो गई थी, अब वो थोड़ी सी अप्रिशिएट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? राइट, इसका पूरा स्टेप मैं आपको कल करके दिखाऊंगी। आज के लिए मैं सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन कर रही थी कि मैनेज फ्लोटिंग किस तरीके से होती है। कल हम दोनों तरह के फ्लो चार्ट्स करेंगे। एक बार ध्यान से देख लो मैनेज फ्लोटिंग, हाउ इज मैनेज फ्लोटिंग अंडरटेकन। मैनेज फ्लोटिंग इज अंडरटेकन टू करेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स। इज दैट क्लियर? राइट, डिजायर्ड लिमिट्स के अंदर एक्सचेंज रेट को करेक्ट किया जाता है। मैनेज फ्लोटिंग इज अंडरटेकन बाय द आरबीआई। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि आरबीआई एक एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है, कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का या ऑफिशियल रिजर्व का। तो मैनेज फ्लोटिंग इज अंडरटेकन बाय द आरबीआई बाय द वे ऑफ सेल एंड परचेज। याद रखना, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन इंटरनेशनल मार्केट। इज दैट क्लियर? राइट, अगर आरबीआई को लगता है कि इसको अपनी कंट्री की करेंसी को बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट करना है क्योंकि मार्केट फोर्सेस के कारण काफी अप्रिशिएट कर गई थी, तो आपको पता है आरबीआई के पास बहुत स्टॉक अवेलेबल है फॉरेन एक्सचेंज का, तो आरबीआई डिमांड करना शुरू कर देती है फॉरेन करेंसी फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। इज दैट क्लियर? तो डिमांड करेगी जब फॉरेन करेंसी को, तो ऑब्वियसली मार्केट में क्या ऑरा क्रिएट होगा कि इंडिया को जरूरत है फॉरेन करेंसी की, और ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री की करेंसी अब थोड़ी सी डिप्रिशिएट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यह आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है करेंसी की बाय शोइंग द डिमांड। अब आरबीआई वॉन्ट्स टू अप्रिशिएट द करेंसी। हमारी करेंसी मार्केट फोर्सेस के कारण से बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो गई थी, राइट? अब आरबीआई को लगता है कि इसको थोड़ी सी अप्रिशिएट कर लेना चाहिए अपनी करेंसी को, तो आरबीआई स्टार्ट सेलिंग द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इज दैट क्लियर? तो जब इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर आरबीआई बेचना शुरू करेगा, तो आर्टिफिशियल सी यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, हमारे पास ओवर प्रोडक्शन थी करेंसी की, तो ऑब्वियसली ओवर प्रोडक्शन के कारण से हमारी करेंसी की वैल्यू अब क्या कर जाएगी, अप्रिशिएट। इज दैट क्लियर? क्या सबको समझ आ गया?